नमस्कार दोस्तों, मैं निखत बोल्सकाई में आपका स्वागत है। चीनी हमारे शरीर की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत या सोर्स है। ये बात अलग है कि यह हमारे शरीर के साथ साथ जुबान की ऊर्जा और स्वाद दोनों का ख्याल भी रखती है, लेकिन इसके साथ ही यह सिरदर्द सहित कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम का मेन या प्राइमरी कारण भी हो सकती है। एडिड शुगर वाली चीजें खाने से आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। ये ग्लूकोज स्पाइक आपके दिमाग में रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है, जो इंसुलिन जैसे हार्मोन को सर्कुलेट करने और ग्लूकोज के लेवल को नीचे लाने के लिए लगातार काम करता रहता है। वैसे ज्यादा चीनी के कारण होने वाले सिर दर्द को रोकना इतना मुश्किल भी नहीं है, और इसे करने के लिए आपको मीठे को हमेशा के लिए ना भी नहीं कहना पड़ेगा। क्या चीनी सिर दर्द का कारण बन सकती है? कई खाद्य पदार्थों में नेचुरल ग्लूकोज होता है, जैसे फल और डेयरी प्रोडक्ट्स, लेकिन इनमें मौजूद फाइबर या प्रोटीन कंटेंट ग्लूकोज के प्रभाव को बैलेंस करने में मदद करते हैं। एनर्जी के लिए आपको ग्लूकोज की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है, और इस बात को पक्का करने के लिए आपकी बॉडी काम कर सकती है। आपके दिमाग को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। यदि आपका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है तो शरीर को लेवल करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, तो इंसुलिन की बढ़ोतरी शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी पैदा कर सकती है, और ये पूरी तनावपूर्ण और उथल पुथल स्थिति हर हाल में आपको सिरदर्द कर देती है। कैसे बचे सिरदर्द से? आप सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस में बदलाव के साथ आराम से मैनेज कर सकते हैं। एक्सेस और एडिड शुगर इंटेक से सावधान रहने की कोशिश करें। रिफाइंड कार्ब्स के बजाय साबुत अनाज खाएं, हाइड्रेट रहें, डेली लाइफ में एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में जरूर ऐड करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।